नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वित्तीय वर्ष 21-22 में पीआरडी जवानों के पुनर्प्रशिक्षण के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने कल वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पीआरडी जवानों के पुनर्प्रशिक्षण के बारे में वहाँ पर निर्देशित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पत्र जारी किया गया है जो कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि ₹500 प्रतिदिन के दर से प्रति पीआरडी जवान पर यहाँ पर आवंटन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत से पीआरडी भाई हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या यहाँ ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से उनको मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं कि यह ₹500 आपको क्या नगद में मिलेंगे या खर्च किए जाएंगे, आपके किस प्रकार से आपके ऊपर यहाँ रुपये खर्च किए जाएंगे और आपको यह ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे, कब तक दिए जाएंगे। इस वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली पीआरडी जवानों से संबंधित कोई भी वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस आदेश की तरफ। तो दोस्तों, हम आज के उस पत्र की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पत्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजा गया है। इस पत्र को 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया है। उन्होंने सेवा में लिखा है कि समस्त मंडलीय उपनिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश, विषय में इन्होंने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में पीआरडी जवानों के पुनर्प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने लिखा है कि महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है 624, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पीआरडी जवानों के 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण के संबंध में जनपदवार संख्या का निर्धारण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में पुनर्प्रशिक्षण का आयोजन करने हेतु निम्नबद्ध बिंदुओं का अनुपालन किया जाना है। नंबर 1, जो यहाँ पर दिया गया है, पुनर्प्रशिक्षण के अंतर्गत क्रय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था आदि संबंधी कार्रवाई वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निम्नबद्ध समिति की देखरेख में की जाएगी। यहाँ पर जो मंडली उपनिदेशक हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है समिति का। प्रशिक्षण केंद्र जनपद के जिला युवा कल्याण एवं प्रांतिक प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को यहाँ पर सदस्य बनाया गया है। संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा नामित लेखा संवर्ग का अधिकारी यहाँ पर इनको सदस्य बनाया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है, यहाँ पर दिया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 14 जून 2021 द्वारा मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र के जनपदों को प्रति पीआरडी जवान ₹500 की दर से 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण हेतु बजट का आवंटन किया गया। प्रति जवान प्रतिदिन की दर से आवंटित धनराशि से निम्नवत कार्य कराए जाने हैं। तो दोस्तों, यहां पर कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने दिया है कि 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण का बजट आवंटन किया गया है, प्रति जवान प्रतिदिन की दर से आवंटित धनराशि से निम्नवत कार्य कराए जाने हैं। तो निम्नवत कार्य कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रशिक्षुओं को भोजन एवं जलपान और प्रशिक्षुओं को आने एवं जाने का मार्ग व्यय, और यहाँ पे प्रशिक्षकों को मानदेय, और यहाँ पे दिया गया है टेंटेज एवं आवासीय व्यवस्था, विद्युत, साउंड, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बैनर एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रशिक्षु हैं इनको भोजन और जलपान की व्यवस्था इन्हीं ₹500 में की जाएगी। प्रशिक्षुओं को आने जाने का व्यय मार्ग का व्यय खर्च दिया जाएगा। यहाँ पर प्रशिक्षकों को मानदेय भी दिया जाएगा इसी से, और यहाँ पर टेंट एवं आवासीय व्यवस्था, विद्युत, साउंड, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बैनर आदि सभी अन्य प्रकरण के इसी ₹500 में से व्यय किए जाएंगे। उपरोक्त मदों में धनराशि का व्यय स्थानीय स्तर पर मंडलीय उपनिदेशक के निर्देशानुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु पुलिस विभाग, पीएससी, होमगार्ड्स आदि के प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी आमंत्रित किया जाए। प्रशिक्षुओं को वर्दी उपलब्ध कराए जाने हेतु क्रय प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई पूर्ण होते ही वर्दी उपलब्ध करा दी जाएगी, किंतु वर्दी की प्रतीक्षा में पुनर्प्रशिक्षण के आयोजन को रोका ना जाए। यदि वर्दी
क्रय करने में विलंब होता है तो प्रशिक्षण के उपरांत आपको वर्दी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसकी आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों को बाद में वितरित किया जाएगा। जनपद स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जवानों के चिन्हांकन के उपरांत जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी द्वारा निम्न प्रारूप पर सूची मंडलीय उपनिदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उक्त सूची प्रसारित कर प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय में संरक्षित की जाएगी तथा प्रशिक्षण के उपरांत सूची तैयार कर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल के अनुसार यहाँ पर प्रशिक्षकों के जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पीआरडी जवान हैं इनकी सूची भेजी जाएगी। पुनर्प्रशिक्षण में भेजने हेतु जवान चिन्हांकित करते हुए वह ध्यान रखा जाए कि कोई भी आवश्यक ड्यूटी बंद ना हो। पुनर्प्रशिक्षण हेतु जनपद स्तर पर चिन्हांकित जवान यदि बिना किसी उपयुक्त कारण एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की अनुमति के पुनर्प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए ड्यूटी से विरक्त कर दिया जाएगा। पुनर्प्रशिक्षण शिविर में उद्घाटन एवं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि पुनर्प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन एवं समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जनप्रतिनिधिगण तथा प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। कृपया उपरोक्ता अनुसार निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पुनर्प्रशिक्षण की कार्रवाई संपादित कराने का कष्ट करें। दोस्तों यह पत्र जो भेजा है आजाद सत्यशाही उपनिदेशक यहाँ पर कृत्य महानिदेशक के द्वारा भेजा गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर इस अपडेट में देखा है, यहाँ पर जो पीआरडी जवानों का पुनर्प्रशिक्षण कराया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर प्रति पीआरडी जवान प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये यहाँ पर बजट आवंटन किया गया है। ये जो 500 रुपये का बजट आवंटन किया गया है, इस बजट को यहाँ पर प्रशिक्षकों को भोजन एवं जलपान और प्रशिक्षकों को आने जाने मार्ग व्यय और प्रशिक्षकों को मानदेय, टेंट, आवासीय, विद्युत, साउंड आदि कई अन्य खर्चे जो हैं इसी में से किए जाएंगे। यहाँ पर पीआरडी जवानों को इसी 500 रुपये बजट के आवंटन के हिसाब से यहाँ पर उनको मानदेय भी दिया जाएगा और अन्य खर्चे भी इसी से किए जाएंगे। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि भविष्य में आने वाली पीआरडी जवानों संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।